नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेलर सुशील पीसी में। तो आज हम बात करेंगे कि मार्चेंट नेवी में बोसन कैसे बनते हैं और बोसन का काम क्या होता है और बोसन की सैलरी क्या होता है, आज इसी टॉपिक पे बात होगा। तो दोस्तों, उससे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि कोई अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मार्चेंट नेवी में बोसन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो जीपी रेटिंग कोर्स करके जाते हैं वो आगे चल के बोसन बनते हैं। तो सबसे पहले आप यदि जीपी रेटिंग कोर्स करेंगे तो आप डेक साइड से जाएंगे तभी बोसन बनेंगे, इंजन साइड से जाएंगे तो आयलर बनेंगे। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीपी रेटिंग कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेनिंग ओएस में जाएंगे, फिर वॉच कीपिंग निकालेंगे, फिर ओएस में सेल करेंगे। 18 महीने आप ओएस में सेल करने के बाद आप सीओपी निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप एबी बन जाओगे, एबी में 4-5 सिप मारोगे उसके बाद कंपनी बोसन बनाती है। तो ये रहा प्रोसेस, यदि आप मार्चेंट नेवी में बोसन बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप जीपी रेटिंग कीजिए, उसके बाद ट्रेनिंग ओएस में जाइए, उसके बाद ओएस, उसके बाद एबी में जाइए, उसके बाद आप का काम अच्छा रहा है तो कंपनी आपको बोसन बना देगी। बोसन डेक का मतलब इंचार्ज आता है, जितना भी मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है तो चीफ ऑफिसर बोसन के थ्रू ही सब क्रू को काम वगैरह देता है। पहले वो चीफ ऑफिसर बोसन को बोल देगा कि ये काम कराना है, बोसन अपना दिन में काम कराएगा, क्योंकि चीफ ऑफिसर वॉच में रहता है तो बहुत कम टाइम मिलता है उसको डेक वगैरह पाने में, तो वो बोसन के थ्रू ही अपना काम कराता है। वो बोसन को ही इंचार्ज, बोसन ही इंचार्ज रहता है डेक के मेंटेनेंस का। उसके अंदर सारे ए बी काम करेंगे, ओएस काम करेंगे या कुछ और भी जो भी डेक पे रहेंगे, डेक फिटर वगैरह, वो सब लोग मतलब बोसन के अंदर ही काम करेंगे। चीफ ऑफिसर बोसन को ही बोल के जाएगा कि क्या क्या काम कराना है, बाकी किसी से उतना नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी मार्चेंट नेवी में बोसन बनना चाहते हो तो आप जीपी रेटिंग करके आप ऐसे आप भी मार्चेंट नेवी में बोसन बन सकते हैं। तो बोसन का काम भी सिर्फ डे वर्क होता है, उसका वॉच वगैरह नहीं लगता है नॉर्मली। तो खाली डे में जो भी काम रहेगा 8 से 5 या 8 से 6 वो काम कराएगा बोसन। और सब लोगों का जो भी प्रॉब्लम रहेगा काम के इशू में तो सब देखेगा कि क्या क्या किसको किसको चाहिए, क्या प्रॉब्लम है क्रू को, वो सब ला के सामान वगैरह देगा, पीपीई देगा, सब ये सब काम बोसन का ही होता है। डेक स्टोर भी बोसन के अंडर ही रहता है, जो भी सामान वगैरह लेना रहेगा और डेक स्टोर से वो बोसन से पूछ के ले सकते हैं कि बोसन से पूछ सकते हैं कहाँ क्या सामान है, बोसन ही सब कुछ ला के देता है। तो नॉर्मली यही सब काम रहता है, बोसन का बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता डेक पर। डेक पे मतलब उसी का जो भी रहेगा, जो भी काम करना रहेगा बोसन के अंदर ही सब लोग काम करते हैं। रही बात सैलरी की, तो बोसन की सैलरी अच्छी मिलती है। यदि आप अच्छे कंपनी में तो 1600 से 2000 के बीच में बोसन की सैलरी रहती है, और कुछ नॉर्मल कंपनी में भी है तो 1400 से 1600 के बीच में बोसन की सैलरी रहती है। बोसन का काम यही होता है कि उसको रात में वॉच वगैरह नहीं रहता है, सिर्फ डे वर्क रहता है, तो इसलिए बोसन की जॉब एक तरह से अच्छा ही बोल सकते हैं, क्योंकि वॉच वगैरह नहीं रहता है तो डे वर्क कीजिए और रात में अपना सोइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। डे वॉच वालों को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है टाइम एडजस्ट करने में, रात में वॉच में जाना, फिर दिन में भी डेक पे काम करना, इन सब के बीच में सोने को थोड़ा दिक्कत होता है। तो यदि आप भी मार्चेंट नेवी में बोसन बनना चाहते हो तो यही सब काम रहता है, यही सब प्रोसेस है, आप मार्चेंट नेवी में बोसन बन सकते हैं। यदि इसके बारे में और कोई नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा।